हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट। कभी अभी हम 3-4 लाख कर्जा में चल रहे हैं सर। अब मिल गया तो अब कर्जा भी चुक जाएगा। देखो वो तो चुकेगा सर। अब हीरे का वजन है 19 कैरेट 22 सेंट है, उज्ज्वल का हीरा है, अच्छा हीरा है, आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पन्ना अपने हीरे की चमक के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कैसे एक हीरे की चमक ने पन्ना के मशहूर की रातों रात किस्मत बदल दी, ये देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे। जानिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के पन्ना की खदानों से पिछले 10 सालों से हीरे की खोज कर रहे एक मजदूर को साल 2024 का सबसे बड़ा हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। पेशे से मजदूर राजू गोंड ने बुधवार को परिवार के साथ इसे हीरा कार्यालय में जमा कराया है। दरअसल राजू गोंड के ऊपर 4 लाख रुपए का कर्ज है और मजदूरी के तौर पर वो रिक्शा चलाना और दूसरे काम करता है, लेकिन इसके अलावा बारिश के समय खदान में हीरा तलाशने की भी कोशिश करता है और यही वजह रही कि रातों रात मजदूर राजू गोंड की किस्मत बदल गई और उसके हाथ में 2024 का सबसे बड़ा हीरा हाथ में लगा है। परिवार में खुशी है? परिवार में खुशी है सर। सब हमारे से लगाते रहे, 10 साल हो गया सर हमको पोते नहीं भगवान, 10 साल से हम खदान ही कर रहे हैं सब। ट्रैक्टर ड्राई वाली करते हैं मजदूरी, सीजन में चलाते हैं फिर खदान में लग जाते हैं सर। पैसा जब नहीं रहता है तो कहीं इससे उठाते हैं। कभी अभी हम 3-4 लाख कर्जा में चल रहे हैं सर। अब मिल गया तो अब कर्जा भी चुक जाएगा? देखो वो तो चुकेगा सर। अब आज एक हीरा प्राप्त हुआ है, हीरा खदान क्षेत्र पट्टी से कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है और सुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है, उज्ज्वल कृष्ण का हीरा है, अच्छा हीरा है, आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। तो वहाँ के एक पट्टेदार हैं उनको श्री चुनवाल, उनको एक हीरा मिला है 19 कैरेट 22 सेंट का। वो कार्यालय में आज उन्होंने जमा कराया है और उसकी लगभग अनुमानित कीमत 80 लाख के करीब होना चाहिए। बाकी तो नीलामी में जितना अधिक से अधिक उनको मिल पाएगा। बड़ा हीरा मिला। हीरा मिलने के बाद राजू गोंड की किस्मत बदल चुकी है। नीलामी में खुली बोली के लिए अब हीरा रखा जाएगा। उच्चतम बोली में जो राशि आएगी उसमें से 12% राशि रॉयल्टी काट कर राजू गोंड को दे दी जाएगी। राजू पेशे से ट्रैक्टर चालक है और मजदूरी भी करता है। पिछले 10 साल से परिवार यहां पर हीरा ढूंढ रहा था। मई में ही उसने पिता चुनवादा के नाम से पट्टा बनवाकर यह खदान लगाई थी, लेकिन अब राजू गोंड की किस्मत चमक गई है। लोकमत के लिए पन्ना और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।